मैं रुचिता आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रुचिता वर्सेस ग्लोब में। आज की इस वीडियो में हम आए हैं दिल्ली की यंगस्टर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस पे, जो कि नेचर लवर्स, यंगस्टर्स, यूथ के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत सी शांत सी ये जगह है जिसका नाम है हौज खास, जो अपने अंदर बहुत ही सारा शोर समेटे हुए। हौज खास में मेरे सफ़र की शुरुआत यहाँ के डियर पार्क से होती है। 1284 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए हौज खास किले और झील को अपने में समेटे ये पार्क हमें इतिहास की बेहद खूबसूरत परछाई से रूबरू करवाता है। इस पार्क में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। अब ये जो आप झील देख रहे हैं, इसी झील की वजह से इस किले और इस जगह का नाम हौज खास पड़ा। हौज का मतलब उर्दू में पानी की झील और खास मतलब शाही होता है, जिस कारण हौज खास का मतलब शाही झील हुआ। इस झील का निर्माण सिरी फोर्ट में पानी की आपूर्ति के लिए करवाया गया था। इस जगह का नाम डियर पार्क इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ हिरणों को संरक्षित रखा गया है। साथ ही साथ ये जगह कई प्रकार की बतख, मोर, तोते और खरगोशों का भी घर है। मुगल कालीन युग में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई ऐसी झील और किला एक उत्तम वास्तुकला का बेहतरीन नमूना पेश करता है। इस पार्क के कई हिस्सों में हौज खास किले के अवशेष, गुंबद और मंडप मिल जाएंगे, जो बेहद स्थिर और मजबूत हैं। वे खूबसूरती और कला के अद्भुत नमूने हैं। इन प्राचीन कलाकृतियों को देखकर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम आज ज़्यादा उन्नत हैं या उस ज़माने में ज़्यादा उन्नत थे। क्या आपके मन में भी ये सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों, परिवार व स्वयं के साथ शांति में समय व्यतीत करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत ही शांत, खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ इसी शांति का लुत्फ़ उठाते मुझे एक म्यूज़िकल बैंड मिला जो यहाँ पर अपने गायन और वादन का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं उनका मधुर। हौज खास का मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मेरी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने हौज खास विलेज को कवर किया है। तो मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो।